भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव के विरोध में टीकमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। भाजपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष अमित नूना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौराहे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें कार्यकर्ता वहां से बमुश्किल जान बचाकर निकल पाए। यह हमला ममता बनर्जी की हताशा और लोकतंत्र को खत्म करने का परिणाम है। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी, अभिषेक खरे, रानू गोपाल राय, नरेश तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के अंदर एक हमला सरकार ने, उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, उनके बंदों ने एक शर्मनाक घटना की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग घायल हुए। माननीय बंगाल में जो हमारे मुकल राय जी अध्यक्ष, उनको भी घायल किया गया। हमारे लगभग 150 बाइक सवारों को रैली चल रही थी, बाइक सवारों को नीचे पटक के डंडों से पत्थरों से मारा गया, कारों को हिला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये षड्यंत्र विगत एक वर्ष से लगातार चल रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले के साथ कायराना हमला करवाया और जिसने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी उसमें उनके ड्राइवर को, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है और ऐसे अनेक कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के चोटिल हुए हैं, जिनको कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।